बिहार चुनाव में लालू यादव और रामदेव के बीच भी जंग छिड़ गई है। कल रामदेव ने गोमांस विवाद में लालू को कंस का वंशज करार दिया था। आज लालू ने जवाब दिया है। लालू ने कहा है कि गलत दवा बेचकर रामदेव का दिमाग खराब हो गया है। रामदेव महाराज जो है ना, इसका जान बचाया है, ड्रिल कर गया है, आरएसएस से भी बढ़ के वो हो गया है। वो बिंदा करात ने एलिगेशन लगाया था कि दवा में जानवरों को हड्डी मिला के खिला रहा है, तो हमने कहा था भाई जानवर का हड्डी हो या मानव का हो, अगर खाने से बचता है तो इसमें क्या अपराध है। फिर ये रामदेव महाराज को मैंने ये कहा कि काला धन के मामले में चुप क्यों हो तुम, ज्यादा उपद्रव किए थे तो ये रिएक्ट करता है ये सब बात में, ये साधु नहीं है साधु है, और महाराज नहीं है, दवा विरोध बेचता ठीक है बेचो। इधर बीच में फिर ये कंट्रोवर्सी में आया ये आदमी कि जो दवा बेच रहा है उसमें जो सुन माद है उसमें सेक्स के प्रति, ऐसे लोग के जो भाजपा के इंस्टांस पर चल रहे हैं लोग, ये क्या बात करता। वैसे भी आजकल लालू जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है जो कभी उनको गोमांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देता है। और यदुवंशी तो भगवान कृष्ण के वंशज होते हैं, और भगवान कृष्ण का वंशज कहलाने का वो अधिकारी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने यदुवंश को कलंकित कर दिया है। कृष्ण का तो नहीं, कंस का वंशज हो सकता है।